एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, भंते, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर घमंड, क्रोध, चिंता, लालच जैसे अमानवीय विचार आ रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, घमंड और लालच के वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंद्वी लगातार मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं और ये बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटती जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं अपनी चिंता, घमंड, लालच और क्रोध जैसी भावनाओं को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, पर इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास चार घोड़े थे। वह चारों घोड़े कदकाठी से बेहद ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर, इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बेहद ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या ये थी कि वह चारों घोड़े बेहद ही उद्दंड थे। वह घोड़े किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वह उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख, इन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान ली जाएंगी, तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है वह उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी डर कर उससे इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद फिर से बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से ये किसान आया था घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वह चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहाँ से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने के लिए आए। सम्राट के आते ही
किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरी उत्साह के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ देर के लिए इनके पीठ पर बैठता था, फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए, तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। ये सारी बातें सुनकर सम्राट बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस सम्राट ने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही और साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि, यानी हम खुद। तुम्हें अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, ताकि मन के ये घोड़े तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उद्दंड घोड़ा चिंता। चिंता करने से समस्या और उलझती है, लेकिन चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपने बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं आपका नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमका कर या मारपीट रहा हो। लेकिन कब कहाँ कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को हमें सिखाना है। तीसरी चीज़ घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है, इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत, सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपने बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग आए जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। ये सब स्थायी नहीं है, ये सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपने बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा कुविचार लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से हो, धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को, यानी लालच को, अपने बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो, तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा जीवन में उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला आया। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आप अपने मन के इन घोड़ों को जीवन में लगाम लगा सकेंगे।
अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।